अचानक से राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है और जिसमें राहुल गांधी दावा करते हैं कि उनके घर ईडी रेड डालने आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ईडी के ही एक इंसाइडर ने यह बात बताई। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी चक्रव्यूह वाली स्पीच की वजह से उनके खिलाफ ईडी का एक्शन हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो खुली बाहों से इंतजार कर रहे हैं ईडी की टीम को चाय बिस्किट उनकी तरफ से। आधी रात को 2 बजे राहुल गांधी के इस दावे से हड़कंप मच गया, क्योंकि राहुल गांधी तो वायनाड गए हुए थे, अचानक वो ईडी रेड की बात कैसे करने लगे भाई। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी की बदली हुई अग्रेसिव रणनीति से राहुल गांधी भी विक्टिम कार्ड खेलने पर आ गए। क्या राहुल गांधी की नींद उड़ गई है कि 2 बजे उनको ट्वीट करना पड़ रहा है? सुबह उठ के कर देते, कौन सा रात में ईडी वाले पहुंच रहे थे, रात में 2 बजे के करीब ट्वीट कर रहे हैं कि ईडी वाले आने वाले हैं। या तो घबराहट में नींद नहीं आ रही, सोचे पहले कर देता हूं कुछ कूल डूड टाइप का ट्वीट ताकि कहीं कुछ हो जाए तो कम से कम रहे कि मुझे पहले से पता था। राहुल गांधी का यह ट्वीट देखकर कई लोग ये कहने लगे कि क्या राहुल गांधी ने अब अरविंद केजरीवाल का जो तरीका है वो अपना लिया है, वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की राजनीति का स्टाइल अरविंद केजरीवाल का है। केजरीवाल भी यही कहते रहे कि जब भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के जेल जाने का डर होता है तो केजरीवाल और उनके लोग तुरंत ये बात कहने लगते हैं कि 24 घंटे के अंदर ईडी उनके नेता को गिरफ्तार कर लेगी। केजरीवाल के लोग भी यही कहते थे कि ईडी के अंदर से उन्हें जानकारी मिल चुकी है कि ईडी आने वाली और गिरफ्तार करने वाली। लेकिन केजरीवाल जी के 99.99% दावे जो हैं इस तरह के वो हमेशा गलत हुए। माहौल ज्यादा बनाते हैं, ऐसा होता नहीं था। ईडी को जब आना था तभी आई, उनकी भविष्यवाणियों से नहीं आई। क्योंकि आप देखिए, मनीष सिसोदिया का मामला हो, संजय सिंह का हो, खुद अरविंद केजरीवाल का हो, केजरीवाल की भविष्यवाणी के हिसाब से ईडी नहीं आई थी। इसी तरह से केजरीवाल और उनके लोग, ईडी आने वाली है, ईडी आएगी या नहीं आएगी ये तो जांच एजेंसी के लोग ही जानते हैं, लेकिन माहौल वो पूरा बना रहे थे ताकि उन्हें सिंपथी मिल सके। हो सकता है राहुल गांधी इसी सिंपथी के लिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इसलिए वो आधी रात को उठकर ट्वीट कर रहे हैं कि ईडी रेड करने वाली है। राहुल गांधी ने जैसे ही आधी रात को ये ट्वीट किया तो सुबह तक बड़ी हलचल मच गई। कांग्रेस ने एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया, संसद में स्थगन प्रस्ताव तक दे दिया। राहुल गांधी के दावों को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, सुन लीजिए एक बार। भाजपा के डीएनए में तानाशाही, देख रहा था उस दिन कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए डिस्टर्ब कर रहे, 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुती चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई, इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। और राहुल गांधी ने दिखा दिया गरीब के लिए कुछ नहीं, मजदूर के लिए कुछ नहीं, नहीं है इसमें नौजवानों के लिए, बेरोजगारी महंगाई पर जिस तरह उन्होंने भाजपा को धोखे रख दिया, तिलमिलाई हुई भाजपा अपना डीएनए टेस्ट दिखा रही है। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी अगर ईडी की रेड की बात कर रहे हैं तो वो नेशनल हेराल्ड वाले अपने पुराने केस की बात कर रहे हैं या किसी नए केस का डर है? क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का जो मामला है वो तो सिर्फ नेशनल हेराल्ड केस में है, जिसमें उनसे और सोनिया गांधी दोनों से पूछताछ हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ केस सुब्रमण्यन स्वामी की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ था। 2023 में नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से 5-5 दिन तक ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि ईडी ने इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अब तक चार्जशीट फाइल नहीं की है और केस में अभी आगे जांच हो रही है, लेकिन जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती तब तक ईडी इस मामले में और पूछताछ, रेड और अरेस्ट कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी ईडी रेड की जो बात कर रहे हैं वो यही नेशनल हेराल्ड का मामला है या फिर किसी दूसरे केस का है ये अभी पता नहीं, क्योंकि कुछ मामले उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के भी चल रहे हैं, एक मामला उनकी नागरिकता को लेकर भी चल रहा है, हालांकि इसमें ईडी का कोई रोल नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी के जो मामले चल रहे हैं वो ज्यादातर मानहानि के मामले हैं और इनमें भी ईडी का कोई रोल नहीं। ऐसे में जब रात को 2 बजे राहुल गांधी अगर कोई ट्वीट कर रहे हैं तो बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा केस है भाई जिसके बारे में उनको पता चल गया है कि ईडी का एक्शन होने वाला है, या फिर राहुल गांधी सिर्फ माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी वायनाड में हुई तबाही में ध्यान भटकाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे, क्योंकि वायनाड के मामले में राहुल गांधी से तीखे सवाल हो रहे हैं और इन्हीं सवालों से बचने के लिए 2 बजे रात में राहुल गांधी ईडी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चंद्रशेखर ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को 2 बजे रात को
किसी ने बोल दिया होगा कि बस ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, किसी तरह से एक नया नरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि लोग वायनाड के बारे में नहीं पूछे। आधा घंटे 45 घंटे वे वायनाड में थे। तो मुझे लगता है, ये मेरा खुद का, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी रहा है, आज भी है और रहेगा, कि जब उनके सामने टफ क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किसी तरह उससे निपट कर एस्केप करने की कोशिश से झूठ बोलते हैं या झूठ का एक न्यू नरेटिव खड़ा करते हैं। और पाठशाला में अब अगली क्लास। दिल्ली के शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों के अंदर 13 बच्चों की मौत कैसे हो गई? जनवरी से अब तक 27 बच्चों की मौत के बाद भी क्यों सोती रही है केजरीवाल सरकार? अब इसका जवाब। दिल्ली की कोचिंग में हुई 3 स्टूडेंट्स की मौत के सदमे से अभी दिल्ली के लोग उबर भी नहीं पाए थे कि अब 13 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला दिया। दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में 20 दिन के अंदर एक एक करके 13 बच्चों की जान चली गई। और यह दर्दनाक घटना दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद आशा किरण होम में रहने वाले बच्चों के साथ हुई। यह शेल्टर होम दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंडर आता है। आप देखिए, दिल्ली में पिछले 20 दिन से बच्चों की मौत हो रही थी, लेकिन दिल्ली सरकार को अब तक यह नहीं पता कि इन बच्चों की मौत हुई कैसे। जब हमारे रिपोर्टर ने इसके बारे में आशा किरण होम में बात करने की कोशिश की तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। आप देखिए कि पिछले 20 दिनों में दिल्ली में मासूम बच्चों की मौत हो रही है और अब जाकर केजरीवाल सरकार मजिस्ट्रेट से जांच कराने का भरोसा दे रही है। जब 13 बच्चे मर गए तब यह काम तो 20 दिन पहले होना चाहिए था, ताकि तभी सही जानकारी सामने आने के बाद बाकी के बच्चों की तो जान बच जाती। लेकिन आज जब मीडिया के जरिए इस घटना के बारे में दुनिया को पता चल गया तो केजरीवाल सरकार एक्टिव होने की बातें कर रही है। एक तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का से भर देने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली के शेल्टर होम में मासूम बच्चों की मौत हो रही है। यह सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि शेल्टर होम में बच्चों की मौत अकेले जुलाई महीने में नहीं हुई। मौत का यह सिलसिला पिछले साल से लगातार चल रहा है, लेकिन इसे केजरीवाल सरकार कितनी सीरियसली ले रही थी इसके बारे में आगे बताऊंगा। उससे पहले इस पूरी घटना के बारे में बताता हूं। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 3 में आशा किरण होम में मेंटली रिटायर्डेड बच्चों को रखा जाता है। इस शेल्टर होम में यह दावा किया जाता है कि यहां रहने वाले बच्चों की अच्छे से देखरेख की जाती है, जबकि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच 27 बच्चों की यहां मौत हो गई। इसमें पिछले महीने जुलाई में 20 दिन के अंदर 13 बच्चों की जान चली गई। रोहिणी के SDM के मुताबिक मौत का यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है, यानी बच्चों की मौत पिछले साल भी हुई थी। रोहिणी SDM बच्चों की मौत के पीछे पीने के पानी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। अगर थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि पीने के पानी की वजह से मौतें हुई तो यह तो और बड़ा सवाल है दिल्ली सरकार से। जो लोग पीने का ऐसा पानी अब उपलब्ध करा रहे हैं कि बच्चों की जान चली जा रही है, वो केजरीवाल मॉडल और केजरीवाल मॉडल का ढिंढोरा पीटते हैं। ऐसा नहीं है कि आशा किरण होम में यह मौत अचानक हो गई। पिछले 7 महीने में 27 बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन जब मौत पर बवाल बढ़ने लगा और बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोला, तब जाकर केजरीवाल सरकार नींद से जागी और मंत्री आतिशी ने आशा किरण होम में हो रही मौतों की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए। लेकिन वो शेल्टर होम में हुई मौत के लिए लापरवाही के आरोपों को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही और जांच रिपोर्ट आने से पहले ही सफाई दी जा रही है।